हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूं अपना अमेज़न हॉल। मैंने दो तीन दिन पहले भी एक अमेज़न हॉल डाला था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाकर जरूर देखो। उसमें भी काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, रीजनेबल प्राइसेस में अलग अलग चीजें हैं, आपको पक्का पसंद आएंगी। तो लास्ट हॉल में ना गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये वाली मैंने टी शर्ट मंगवाई थी ना अपने हस्बैंड के लिए, मंगवाई थी, दो बार मंगवाई थी। ब्रांड ने दोनों बार छोटा साइज भेज दिया था, पहले एम भेजा फिर एस भेजा। एम मैंने रख ली, एस मेरे बेटे ने रख ली, मतलब उसको भी आगे हल्की फुल्की टक इन करके, ठीक है। तो नहीं, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आपको लास्ट हॉल जाके चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी और इतना कंफर्टेबल है ना यार ये वाला कपड़ा, लास्ट हॉल में जाके देखो। दो या तीन दिन पहले एक अमेज़न हॉल डाला है, बिल्कुल भी उसके ऊपर व्यूज नहीं आए। मतलब मुझे समझ नहीं आता, दूसरे लोग अमेज़न हॉल डालते तो उसके ऊपर 1-1 लाख व्यूज आ जाते हैं। वो क्या ऐसा चांद तारे आपको तोड़ के दिखा देते जो मुझे समझ में नहीं आता। मतलब आई डोंट नो, मुझे जो चीज एकदम दिल से पसंद आती है ना, मैं वही चीज बाय करती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बाय करती। मतलब आई डोंट नो, एनीवेज लेट्स बिगिन विद द हॉल। सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स मैं आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि दी आप सारे लिंक्स के नेम्स नहीं डालते, तो सबसे नीचे ना एक माई हॉल स्टोर करके लिंक है, आप उसको ओपन किया करो, सारी फोटोज खुल जाएंगी सारे प्रोडक्ट्स की। किसी जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए ना उसकी फोटो पे ऊपर क्लिक करो तो सीधा आप अमेजोन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। सबसे पहले तो गाइस, मैंने अभी अभी जस्ट शार लिया है, बस अभी मेरे बाल समझो अभी एयर ड्राई किए मैंने, कुछ भी नहीं किया, कोई मेकअप नहीं है, बस बाल को हल्का से हाथ से ये करके बैठ गई मैं, ठीक है, पिंस लगा के। ये गाइस मैंने ना इंस्टाग्राम पे किसी की रील देखी थी, तो उनका वैसे रील मुझे अच्छी लग रही थी, मतलब लड़की बड़ी प्यारी लग रही थी, सुंदर लग रही थी, तो मैंने रील पूरी देखी। तो उसने ना लिपस्टिक लगाई थी, मुझे लिपस्टिक बड़ा प्यारा लगा, उसने लगाई थी रेने की सी मी शाइन लिप ग्लॉस था ये, पकर अप पीच ये नेम है, ये ब्रांड है रेने, और उसकी ये वाली रेंज है, ठीक है। सी मी शाइन ये लिप ग्लॉस लगाया था, मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा, तो मैंने फटाफट से अमेजोन पे जाके देखा, क्योंकि उन्होंने पता है क्या किया होता है, अमेजोन फाइंड करके कोई वीडियो थी, मतलब बेस्ट अमेजोन फाइंड करके। तो मुझे था कि यार मुझे भी अमेजोन का हॉल शेयर करना है, तो देखते क्या दिखा रही है लड़की। तो उसने ये दिखाया लिप ग्लॉस, इतना प्यारा लग रहा था ना, अब तक मैंने लिप्स के ऊपर लगा के देखा, हाथों के ऊपर लगा के देखा, तो अभी जस्ट कुछ नहीं मेरे लिप्स के ऊपर, हल्के से लिप बाम लगाई थी वो हटा ली थी, ताकि बस लिप्स मॉइस्चराइज हो जाए। और शीशा ढूंढ रही थी मैं अपना, एनीवेज अरे है तो सही सामने, हल्की सी मीठी मीठी खुशबू आ रही है, बट बहुत कंफर्टेबल है। और कलर देखो कितना आ रहा है, ये तो एकदम डेली वाला कलर है। टीनेजर लगा ले, मेरी मम्मा की एज की लगा ले, चाहे कोई भी लगा ले, अगर आपने बहुत हैवी मेकअप किया है आईज का, न्यूड लिप्स अगर आपको चाहिए, लिप ग्लॉस चाहिए, तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल शेड, अच्छा लग रहा है ना शेड। कंफर्टेबल है, चिपक नहीं रहा, मतलब जैसे होता है ना एकदम चिपकने लग जाता है, वैसा नहीं है। और जब भी लिपस्टिक लगाते हो तो एक बार कर लिया करो, नहीं तो टीथ पे लग जाती है। बहुत पसंद आया मुझे ये वाला शेड, आपको कैसा लगे? इट्स वेरी मच न्यूड, आजकल ये वाले शेड बहुत चल रहे गाइस, लोग अपनी शादियों तक में लगाते, मतलब मैरिज के फंक्शंस में ये वाले शेड लगाते हैं, आई मेकअप को एकदम बोल्ड रखते हैं, लिप्स को थोड़ा सा ग्लॉसी रखते हैं। तो मुझे ना देखना था कि मतलब जो कंफर्टेबल भी हो फॉर्मल, इट्स वेरी मच कंफर्टेबल, वो नहीं कर रहा यार, मतलब मैं जितनी बार भी बोलूंगा चिपक नहीं रहा आपस में, यू नो चिपकता है तो वो दिखता है कि आपके लिप्स को थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ रहा है छुड़ाने के लिए, वो चीज नहीं है। प्राइस सुन लो 299 रुपीज आई थिंक इसका प्राइस है, सॉरी 350 रुपीज यहाँ पे लिखा, बट मैंने इतना तो नहीं पे किया, मैंने 299 पे किया था, ये डिस्काउंट पे थी, हाँ मैंने 299 आई थिंक, मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि जब मैंने इसका प्राइस देखा तो ये वही 299, मतलब 300 रुपए 50 रुपए मतलब डिस्काउंट था, ठीक है। 300 रुपए में अगर आपको ये मिल रही है, यू शुड डेफिनेटली ट्राई। इसमें और भी बहुत सारे शेड हैं, ये वाला शेड उस इंस्टाग्राम पे जो मैंने लड़की देखी ना उसने लगाया हुआ था, तो फिर मैंने भी यही वाला मंगवा लिया, और मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था उसके लिप्स के ऊपर। अभी तो चलो मेकअप नहीं किया, जब मैं हैवी आई मेकअप करूंगी उसके साथ, आई थिंक ये वाला लिप शेड बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगा। चलो अब
अब हॉल को हम फटाफट से करते क्योंकि 4 मिनट तो जस्ट मैंने लिप शेड में ही बता दिए। अब बहुत जल्दी हॉल दिखाऊंगी, ठीक है, टाइम आपका ज्यादा नहीं लगाऊंगी। ये मैंने आई डोंट नो क्या मैंने क्या सोच के मंगवा लिया एक्चुअली, लेकिन अगर आपको चाहिए ना आपके किचन वगैरह की, अगर आपकी सेल्फ है, अगर आपको उसको कुछ थोड़ा सा मेक ओवर देना है, चेंज करना, अगर आपके किचन की कबर्ड से या फिर अगर आपके रूम में कोई कबर्ड है या कुछ भी है, तो गाइज ये ना बिल्कुल मार्बल की उसका है, मतलब मार्बल प्रिंट इसके ऊपर है। आपको पता है ये जो मार्बल प्रिंट है ना, सेम ऐसे मेरे नए वाले घर में है फर्श पे, यही वाला सेम ऐसा ही मार्बल प्रिंट, मतलब इट्स लाइक व्हाइट में हल्का सा यू नो ब्राउनिश ग्रे टोन है और ऐसे ऐसे वाली टोन है, मतलब ओ माय गॉड। चलो तो ये मैंने एक मंगवा लिया, शीट है गाइस, इसको आप कहीं पे भी चिपका सकते हो, ठीक है ना। मैंने सोचा कि जो मेरे अभी साइड में जो टेबल पड़ा हो ना, मैं उसके ऊपर चिपका दूंगी, क्योंकि कई बार जब प्रोडक्ट्स दिखाने होते हैं ना तो आई थिंक थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा, ट्राई करूंगी, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये वाली शीट मंगवा ली, लिंक तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सस्ती मिल रही थी, 300 रुपए तक की थी। ओके, जब ये लास्ट हॉल मैंने शेयर किया था तो मैंने आपको बोला था कि आरव के पापा को, मतलब मेरे हस्बैंड को, ये वाली टी शर्ट नहीं आई, छोटा साइज आ गया, ठीक है। तो मैंने उनके लिए एक और ब्रांड से टी शर्ट मंगवाई थी, टी शर्ट बहुत अच्छी है, कपड़ा बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज सो 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 गुड, उनको ये वाली पसंद भी आई थी, बट इस बार मैंने उनके लिए एक्सएल मंगवा ली। उनको वैसे एक्सएल आता बट कई बार एल भी आ जाता, ब्रांड ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता, अब एक्सएल साइज बहुत बड़ा आ गया उनको, वो बहुत लूज लूज सा लग रहा था। ये है नॉट वाइल्ड ब्रांड और सिंपल प्लेन लाइलैक कलर की टी शर्ट है ये, सिंपल प्लेन लाइलैक कलर की, सिंपल प्लेन नथिंग, बट इट्स सो कंफर्टेबल, सो कंफर्टेबल। अगर आपको लूज टी शर्ट्स डालनी है, अगर आपको लूज कुछ चाहिए तो आप इसको बाय कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपने, वही मैं बोलूंगी, पापा के लिए, हस्बैंड के लिए, भाई के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए अगर आपको लेनी है तो आप इसको बाय कर सकते हो। कलर कितना ब्यूटीफुल है ना, मे बी मैं इसको एक्सचेंज करा दूं, एक्सएल मंगवाया था तो एल साइज मंगवा दूं, बट कपड़ा इज सो 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 गुड। मैंने जो अभी डाला देखो कितना प्यारा लग रहा है, देखो अच्छा लग रहा है ना, है ना। ये मैंने लास्ट साल में दिखाया था, ये ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप्स, मतलब अच्छी लगी मुझे, आई लव इट, और मुझे ये भी अच्छा लगा। अब देखती हूँ एल साइज उनको मंगवा दूंगी, ये देखती हूँ अगर मेरे भाई को आ गया या मम्मी को आ गया तो मैं उनको दे दूंगी, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा रिटर्न करने का, बिकॉज इट्स सो कंफर्टेबल। तो मैं इसको रिटर्न नहीं करूंगी, उनके आरव के पापा के लिए मैं कुछ और मंगवा दूंगी, बट मैं इसको रिटर्न नहीं करने वाली फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे कपड़ा अच्छा लगा और मुझे पता है मम्मी या भाई में से किसी को जरूरी है, आ जाएगा। या मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, डेफिनेटली आपको ये पसंद आने वाला, मैंने बोला ना डेफिनेटली आपको ये पसंद आने वाला है। अभी तक मैंने डाल के नहीं देखा, मुझे नहीं पता पीस ओके है कि क्या है, बताइए क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये है गाइस बैंगल्स, मैं इंस्टाग्राम पे देखती थी लड़कियां डालती थी ऐसे चौरस चौरस बैंगल्स, यू नो अपनी रील्स में, वो यूट्यूब शॉर्ट्स में, ऐसे जो स्टार्टिंग वाली जो क्लिप नहीं होती रेडी वाली, तो मेरे को हमेशा लगता है चौरस बैंगल क्या क्लॉसी लग रहे हैं, मतलब मेरा तो ऐसा लग रहा था हाई मेरे को कहीं से मिल जाए 500 रुपए तक में, आई थिंक 500 रुपीज में मेरे को, या 500 ही था, अमेजोन से मिल गए। एंड ये कुछ इस तरह से पेच वाले हैं एंड इट लुक्स सो एंटीक, और अरे रुको वाह कितना सुंदर लग रहा था, अभी तो मैंने हाथ में डाला थोड़ा सा, पूरा बंद नहीं करूंगी, बस आप इतना देख लो, वाह मेरा हमेशा से मन था मैं ऐसे वाले बैंगल्स लूं, मैं और लेने वाली हूँ। बाय द वे मैंने और ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं अमेजोन से, तो नेक्स्ट हॉल जब आएगा वो मे मंथ में आएगा, ठीक है, अप्रैल के मंथ में नहीं आएगा। आप लोग व्यूज करो ना यार वीडियोस को, बहुत फर्क पड़ता है, ब्रांड काम ही नहीं देता, ब्रांड बोलता है कि आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज ही नहीं आते, योर ऑडियंस इज नॉट लाइकिंग योर चॉइस, मतलब उनको आपकी चॉइस ही नहीं पसंद। अरे यार इतनी भयंकर बुरी भी तो नहीं है, बाकी सारी लड़कियां भी तो वही दिखाती है, मतलब मुझे नहीं समझ में आता, और मैं कैसे आपको एंटरटेनिंग वीडियो बनाऊं, मतलब क्या बनाऊं मुझे समझ में नहीं आता, लाइक समटाइम्स आई फील लाइक कि छोड़ो क्या बोलूं मैं। मुझे भी थोड़े और ऑफ शोल्डर छोटे कपड़े डीप नेक्स डाल के बैठने चाहिए, शायद ऑडियंस तब जाके अट्रैक्ट होती है, मतलब आई डोंट नो, ये मेरा घटिया दिमाग घटिया सोच, बट आई डोंट नो, आई फील लाइक आई एम वेरी मच सिंपल, इसलिए ऑडियंस ये अट्रैक्ट हो रही है, मतलब अमेजन हॉल इज लाइक तो भी नहीं व्यूज आते यार, मतलब समटाइम्स आई गेट डीमोटिवेटेड, मेरा मन नहीं करता डालने का। अब यही सेम चीज कोई और डाल लेगा ना यूट्यूबर तो वाह वाह उसके ऊपर 50,000 व्यूज, मेरे ऊपर 13,000 व्यूज आए थे,
लास्ट हॉल देखो, इतना भी बुरा हॉल नहीं था, ट्रस्ट मी। मैंने भी देखे बाकियों के हॉल, क्या मतलब कई बार तो बहुत वही वही सामान होता है जो उनके पीआर में रिसीव होता है, उस वही अमेजोन पे मिलता है, वही वही सामान पीआर में रिसीव होता है, वही उठा के दिखा देते हैं, हाँ ये आई बट दिस। मैं तो एटलीस्ट एफर्ट डाल रही हूँ, एक 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 एक, एक, एक चीजों को ढूंढ रही हूँ, खरीद रही हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग व्यूज। एंड ब्रांड इज लाइक कि आपके चैनल पे व्यूज नहीं है तो हम आपके साथ अभी काम नहीं कर सकते, जब व्यूज होंगे तब। आई एम लाइक चेंज द टॉपिक, चलो कुछ भी नहीं। कई बार लगता है कि एकदम पता नहीं, चलो गाइस ये एक और बैंगल है। एंड या दिस इज सो गुड ब्यूटीफुल, जो दिल में बात आई ना मैं बता देती हूँ आपको, बताना मैं थोड़ी सी हूँ वैसे ही, मतलब आई कांट हाइड माई एनीथिंग, जो होता है मैं आपको साफ बोल देती हूँ। या आई फील लाइक कि जो लोग बहुत ऑफ शोल्डर कपड़े डालते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा डीप नेक डालते हैं, ये करते वो करते हैं, तो अरे वो मेरे से निकल गया, छोड़ो ठीक है। तो ये बैंगल गाइस आप देख सकते हो, इट्स वेरी मच ब्यूटीफुल, तो उनको व्यूज थोड़े ज्यादा आते हैं। यूरोप गर्ल की लैशेज हैं जो मैं बहुत 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 टाइम से यूज कर रही हूँ, अलग अलग इनमें है, मतलब नंबर वन है ये वाला, इसमें बहुत सारे आपको 10 नंबर तक मिल जाएंगे, तो अलग अलग शेप्स हैं, अलग अलग डिजाइन है, आपको जो चाहिए जाके देख सकते हो। बहुत लाइट वाली भी आपको मिल जाएंगी, थोड़ी सी हैवी वाली भी मिल जाएगी, आप एक बार जाके चेकआउट करो, आपको पसंद आएगी ठीक है। ये जो लैशेज हैं दे आर वेरी मच कम्फर्टेबल, फ्लेक्सीबल सी हो जाती है, नहीं तो ना कुछ लैशेज ना बड़ी हार्ड हार्ड सी रहती है, बड़े प्लास्टिकी प्लास्टिकी सा फील होता है, और ऐसे रहता है आपकी आंख के ऊपर बहुत हैवी हैवी सा है। नो डाउट 2-4-5 घंटे लगाने के बाद कोई भी लैश आपको हैवी लगेगी, बट ये कंपैरेटिवली बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल। ये नंबर वन था, इसका वन नंबर था ठीक है। उसके बाद ना गाइस लैशेज, अब आई नो आप लोग पूछोगे दी लैश ग्लू कौन सी लगाएं, तो यूरोप गर्ल की लैश ग्लू लगाओ। इसको 2-3-4 मैं खत्म कर चुकी हूँ, इसकी अभी मेरे सामने पड़ी हुई है, क्योंकि इनकी लैशेज लैश ग्लू बहुत अच्छे, मैंने और भी लैशेज लैश ग्लू ट्राई की हुई है, निकल जाती है, नहीं सही रहती, इसका बहुत सही चलता है सिस्टम, टचवुड, मतलब टिक जाती है आपकी लैशेज। आप लोग देखते हो ना यार कितने टाइम से मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, तो ये तो जस्ट आप सोच लो मैंने इसको अपना स्टॉकअप किया है, क्योंकि मुझे अब 2-3 मेकअप लुक्स निकालने हैं, तो लैशेज थोड़ी सी पुरानी पुरानी सी हो गई थी, और मेरा मन कर रहा था ये थोड़ी सी डिफरेंट है डिजाइन है, ये थोड़ी सी हैवी सी, मैं सोचा ये चलो मंगवाती हूँ। इस बार मैंने देखा था सब्बे साची की ना बेल्ट आती है ये ऐसी शेर वाली, तो अमेजोन पे पता नहीं क्या दिमाग में आया, सर्च कर लिया। एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम की रील में किसी को देखा था ये वाली बेल्ट डाले, अमेजोन फाइंड में उन्होंने लिखा हो कुछ था, ऐसा कुछ दिखाया था, तो मुझे लगा अच्छा ये अमेजोन पे भी मिलती है, साथ में एक पर्स भी था पता है सब्बे साची का, बट वो नकली है, मतलब ये समझ रहे हो, मतलब कॉपी है समथिंग, तो वो पर्स था 1700 का, तो मैंने बोला और 1700 का रुपए का मेरा मन नहीं कर रहा था, फिर तो मैंने नहीं लिया फिर तो फिर, बट बेल्ट मैंने ले ली, थोड़ी सस्ती मिल रही थी, एंड मैंने सोचा कहीं ना कहीं तो मैं इसको अपनी कुर्तीज में ड्रेसेस में इसको कहीं ना कहीं ड्रेसेस के ऊपर मैं इसको जरूर करूंगी, क्योंकि इधर मैंने बहुत सारी ड्रेसेस बाय कर ली है, मेरी मम्मी आने वाली है, मेरी मम्मी की टिकट हो गई है, मैं अभी नहीं बताऊंगी, बट तो मैंने सोचा कि हाँ नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक में ही, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़े बहुत मतलब अपने मेरे कपड़े ड्रेसेस फुटवेयर पता नहीं इतना सामान है मेरे पास अभी भी, मैं पता नहीं ऐसे खरीद रही थी जैसे अरे ले लो मम्मी के साथ कहीं घूमने जाने, अरे भाई सब कुछ सही रहे बस टचवुड, तो मेरे था कि कहीं घूमने जाएंगे कुछ जाएंगे तो मेरे पास कुछ नए नए और यू नो कपड़े होने चाहिए, तो मेरे को ये ड्रेस बड़ी ये बेल्ट बड़ी पसंद आई थी, तो मैंने फिर इसको मंगवा लिया। देख रहे हैं आपको ये ब्लैक क्रोकोडाइल प्रिंट है ना, क्रोकोडाइल वाला ये डिजाइन है, पीछे आपको एक और बकल मिल जाएगा जस्ट फॉर साइज एडजस्टमेंट, और यहाँ पे भी आपको एक बकल मिल जाएगा ठीक है। ओवरऑल पीस अच्छा है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो सब्यसाची की, वैसे कितने की है मेरे को पता ही नहीं है, अरे नहीं अभी फोन नहीं आना चाहिए था, अरे यार ओ शुक्र है वो आते नहीं है फोन नंबर वो वाले जो ये ले लो वो ले लो वो ले लो वाले वो वाला नंबर था। एनीवेज ठीक है आपने देख लिया यार, वैसे कमेंट डाउन करके बताना सब्यसाची की जो ओरिजिनल वाली बेल्ट होती है उसका क्या प्राइस है, और जो उनका पर्स होता है उसका क्या प्राइस है, मुझे नहीं पता, दैट्स इट, ताकि मैं इतनी ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, मुझे मेरे को ये सुंदर लगी थी इसलिए मैंने ले लिया था। 2-3 और प्रोडक्ट्स हैं आपको दिखाती हूँ फटाफट से, मैंने एक केवली रिंग भी मंगवाई है और सुंदर लिखा हुआ इसके ऊपर कोट,
कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आई थी ये, और बताओ इसके ऊपर क्या लिखा है। अरे यार नखरे वाली, सुंदर लग रहा है ना ऐसे। आजकल मैं देख रही हूँ कि ऐसे ना चल रही है आजकल बड़ी एंटीक एंटीक सी रिंग्स वगैरह चल रही, तो इसके ऊपर लिखा है नखरे वाली। सुंदर लगी मुझे, क्वालिटी अच्छी है, साइज क्वालिटी मतलब ऐसे रॉ एंटीक टाइप से होते बिल्कुल वैसी है, बट आजकल यही चल रहा है ट्रेंड में। तो पीछे आपको ये मिल जाएगा साइज बड़ा छोटा करने का, तो कोई भी खरीदेगा इसको किसी की भी उंगली में अटक ही जाएगी, कोई ना कोई हाथ की उंगली में अटक जाएगी, साइज एडजस्टेबल है। फिर गाइस मैंने ये मंगवाया था बैरो एम्प्टी ब्रांड करका, ब्रांड करका बोलू ब्रांड का नहीं, फैशन लग्जरी पिगमेंट है। ये भी मैंने कहीं पे देखा था किसी को यूज करते हुए इस ब्रांड के पिगमेंट्स को, तो मैंने सोचा देखती हूँ अमेजोन पे, तो अमेजोन पे देखा मुझे मिल गया, तो ये वाला मुझे पिगमेंट मैंने मंगवा लिया। जस्ट एक इट्स लाइक कॉपरिश कलर है ये क्या है ना कि फ्लेक्स है, प्रेस्ड फ्लेक्स है। आईज के ऊपर लगा लो, नेल पॉलिश के ऊपर लगा लो, आप कहीं पे भी लगा लो इसको, फ्लेक्स जैसे सिल्वर फॉइल होती है ना, सिल्वर फॉइल जो मिठाइयों के ऊपर लगती है, सिल्वर फॉइल पतली सी फॉइल टाइप्स होती है, बिल्कुल वैसा है, समझ रहे हो, ये बिल्कुल वैसा वाला इसका टेक्सचर है, फॉइल फॉइल सा, हाँ ये बिल्कुल वैसा फॉइल फॉइल सा टेक्सचर है। आई मेकअप के ऊपर कहीं कहीं लगा होगा ना तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं इसको मंगवा लूं। वैसे मैंने इतने सारे ग्लिटर्स, इतने सारे एक और प्रोडक्ट होगा, मैंने चीजें मंगवाई हुई हैं और करती हूँ यार आई मेकअप लुक। एक तो मैंने ये मंगवाया, ठीक है, ये भी मैंने इंस्टाग्राम पे किसी को यूज करते हुए देखा था, बैरो एम्प्टी का 299 रुपीज इसके प्राइस लगा, हॉट ट्रॉपिक इसका शेड है, हॉट ट्रॉपिक। क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इतनी चीजें फेंक रही हूँ, मतलब व्हाट, मुझे वीडियो नहीं काटनी थी। ये गाइस मेरे फोन का कवर है, ये वाले फोन का कवर, वीवो V23, ये मैंने अभी रिसेंटली बाय किया था ना, ये 45,000 रुपीज का ये फोन है। आई नो कुछ लोग पूछेंगे दी कौन सा मॉडल है, क्या दिखाया आपने वीडियो में, तो गाइस ये 45,000 का है, वीवो V23 है प्रो वाला, अरे ये निकल नहीं रहा। तो ये मैंने लास्ट अमेजन हॉल में, लास्ट टू लास्ट अमेजन हॉल में आपको ये वाला कवर दिखाया था, तो ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, डाल के भी नहीं देखा मैंने, देखो डल गया, ठीक है, ये फोन है कवर है, वैसे ही मुझे अच्छा लगा, मैंने मंगवा लिया, अच्छा लग रहा है ना ये वाला कलर, थोड़ा बेज क्री थोड़ा वैसा सा कलर है, तो थोड़ा सा पिंकिश टोन में भी था, ये भी अच्छा लग रहा था। वैसे अब थोड़े दिन कुछ वो वाला चलाएंगे। लास्ट प्रोडक्ट है आज के हॉल का, ये है फॉरएवर 52 का स्टार डस्ट फेस एंड द बॉडी ग्लिटर है, ये शेड है यूनिकॉर्न। ये मैंने इंस्टाग्राम पे किसी ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट को यूज करते हुए देखा था, उन्होंने मतलब कुछ ऐसा निकाला और फॉरएवर 52 का था, इसके ऊपर यहाँ पे टेप लगी हुई थी, तो मैंने टेप को हटाया तो इतने सुंदर ग्लिटर्स है ना, मुझे नहीं पता कैमरे पे दिखेंगे नहीं दिखेंगे, मतलब मैं रियल में बताऊ ना कहीं ऐसे लग रहे जैसे हीरे चमक रहे हो, दिस इज बेस्ट प्रोडक्ट। मतलब मैं देखती हूँ ना जब इंस्टाग्राम पे रील्स, मैं सिर्फ देखती नहीं हूँ, मैं बाय भी करती हूँ। इसको आप ग्लू के साथ चिपकाओ, अब आप बोलोगे कि आंखों के ऊपर लगाने के लिए कौन सी ग्लू चाहिए, है ना, मेरे पास तो देखो ये वाली ग्लिटर ग्लू है, ये मैंने अमेजोन से ना ग्लिटर वाला पूरा एक पैकेट मंगवाया था, उसके अंदर ही ये वाली ग्लू आई थी, बट अगर आप सर्च करोगे ना अमेजोन पे आपको ग्लिटर ग्लू मिल जाएगी, ठीक है, मुझे ब्रांड अभी याद नहीं आ रहा, C2P ग्लिटर करके कुछ है, C2P या E2P, C2P करके है, C2P करके ब्रांड है, आप उनका देखना, ग्लिटर ग्लू मिल जाएगी आप उनकी, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल, आपको नहीं दिख रहा ना, ये अभी यहाँ पे कैच नहीं करा, जब मैं आईज पे लगाऊंगी ना एकदम क्लोजअप करके तब आपको नजर आएगा, और ऐसे मैं डायरेक्ट नहीं लगा सकती तो आईज के अंदर जाएगा। इसको पहले मतलब ग्लू लगा लो, फिर उसके बाद इसको ब्रश के साथ लेके या फिंगर्स के साथ लेके आप जस्ट उसको हल्का हल्का लेके टैप करना, क्योंकि बहुत माइन्यूट है, मतलब ये बहुत माइन्यूट, आपको नजर ही नहीं आ रहा यहाँ पे, अभी देखो ये बहुत माइन्यूट है, बट देर सो ब्यूटिफुल, अभी कैमरा पिक नहीं कर रहा, हाईली रिकमेंड करूंगी आपको मैं, ये हाईली रिकमेंड करूंगी, आप डिसअपॉइंट नहीं करोगे, अभी मेरे फोन के ऊपर भी पिक नहीं करा, लेकिन इसको आई मेकअप जब करूंगी ना तब आपको पता लगेगा,
यही थी आज की वीडियो, होप आप लोगों को पसंद आई, और सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं आपको डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड व्यूज दिया करो ना यार प्लीज ना, फिर ब्रांड मेरे को काम नहीं देता, फिर ब्रांड को दे आर लाइक कि मैम व्यूज ही नहीं है, प्लीज यार प्लीज प्लीज समझो प्लीज, इतना भी बुरा हॉल नहीं होता यार मेरा, मत तोड़ा करो प्लीज, बाय।